हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर अमित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मुझसे कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कब तक लास्ट करता है, हाउ लॉन्ग डज अ हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट लास्ट फॉर। वेरी गुड क्वेश्चन एंड द आंसर इज वेरी सिंपल एक्चुअली। सो इस आंसर को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कुछ साल तक ही चलते हैं या दे आर नॉट फॉर एवर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स किन चीजों पे मैटर करते हैं, लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट्स किन चीजों पे डिपेंड करती है। सो फर्स्ट परमानेंट जोन। नाउ अगर हम अंडरस्टैंड करें कि हमारे सर के पीछे देयर इज समथिंग कॉल्ड अ परमानेंट जोन। नाउ व्हाट इज अ परमानेंट जोन? इन अ परमानेंट जोन अगर हम यहां देखें कि ये हमारा बैक ऑफ हेड है एंड पीछे हमारे बाल इस तरह से होते हैं, ये जो सेंटर का पोर्शन है इसको परमानेंट जोन बोलते हैं, PZ। So, जो सेंटर का पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द परमानेंट जोन एंड हेयर इसके अंदर भी होते हैं और इधर भी होते हैं। नाउ सपोज वी टेक हेयर फ्रॉम हियर इस पोर्शन से, तो ये सेमी परमानेंट जोन हुआ एंड देयरफॉर ये बाल गिर सकते हैं, फ्यूचर में दे कैन फॉल डाउन। अगर हम लोग यहां से बाल लेते हैं सो हेयर विल नेवर फॉल डाउन एंड द रिजल्ट विल बी परमानेंट। देयरफॉर परमानेंट जोन से बाल लेना इज अ की कैरेक्टर, की थिंग in order to get the best result. Now permanent zone क्या चीज होती है? Back of head पे एक portion होता है जहां से कभी बाल गिरते नहीं है। Reason, that is resistant to testosterone. जो effects of testosterone है body के ऊपर वो उससे resistant है and therefore hair यहां से कभी गिरते नहीं है। And अगर आपके बाल इस zone में से लिए जाएंगे जो मैंने आपको अभी दिखाया, then your hair will never fall off, which means आपका hair transplant result 15-20 years तक चलेगा at least, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी thinning हो सकती है, but hair will never kind of fall down before that. Now, किन situations में what can happen के आपके बाल actually जल्दी गिर जाएं? Suppose आपका बहुत extensive FUE हुआ है, FUE मतलब follicular unit extraction या DHI procedure या robotic procedure, ARTAS, whatever the technique. अगर बहुत बड़ा FUE procedure हुआ है और उसमें से बाल across the permanent zone ऊपर या नीचे से लिए गए हैं तो that hair can fall off, very important. Please understand, मैं हमेशा advocate करता हूँ, अपने patients को बताता हूँ that never do a very large FUE. Reason, वो बाल आपके सेमी परमानेंट जोन में से लिए जाएंगे और वो बाल फ्यूचर में गिर सकते हैं। सो मेनी डॉक्टर्स हु डू FUE, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 80% ऑफ FUE जो दिल्ली में हो रहा है वो नॉन क्वालिफाइड हॉस्पिटल क्लिनिक्स में हो रहा है, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। आपको फिनास्ट्राइड की टैबलेट दी जाएगी, रिमेंबर दैट। इफ यू आर बीइंग गिवन फिनास्ट्राइड टैबलेट दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज इसका मतलब डॉक्टर नोज कि आपके सेमी परमानेंट जोन से बाल लिए गए हैं। बिकॉज अगर आपके बाल परमानेंट जोन से लिए गए हैं, इफ योर हेयर इज फ्रॉम द परमानेंट जोन, यू डोंट नीड टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स, यू डोंट नीड फिनास्ट्राइड एट ऑल। सो प्लीज रिमेंबर दैट दैट इन केस any hair has been taken from outside the permanent zone, only and only then you need finasteride. And I have never given finasteride to any patient in the last 15 years. So the result of hair transplant is permanent. Please remember that. And come what may, agar aapke permanent zone se baal liye gaye, to aapki baal nahi. So that is what the message I wanted to get across. Thank you so much for seeing us. Please remember that we have a new YouTube channel. It is called Divine Healthcare. Agar aap surgeries wahan dekhna chahte hain, uska link हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा एंड अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब डिवाइन हेल्थ केयर। थैंक यू सो मच।